नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा नहीं हो रहा कम। बुधवार को 404 के बाद आज गुरुवार को 441 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पहचान। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाने पर हो सकता है फैसला। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले, मॉल और होटलों पर भी बढ़ाई जा सकती है पाबंदियां। और नागपुर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले दो आरोपियों को हुडकेश्वर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20,51,000 का माल किया जब्त। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले में दिन ब दिन तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। गुरुवार को नागपुर जिले में फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ। पिछले 24 घंटों में 441 संक्रमित मिलने से प्रशासन में खलबली मची हुई है। तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ने से प्रशासन ने भी कई पाबंदियां लगाई है। आज मिले संक्रमितों के साथ ही जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 1484 पर जा पहुंची। अब तक जिले में 4,95,367 संक्रमित मिले हैं। जिले में मृतकों की संख्या 10,123 पर स्थिर बनी हुई है। तो गुरुवार को ग्रामीण में 39 पॉजिटिव मिले, तो वही शहर में 379 और जिले के बाहर के 23 संक्रमित मिले हैं। ऐसे में कुल 441 के इस डरावने वाले आंकड़े से प्रशासन भी चिंतित है। इसलिए प्रशासन द्वारा सख्त पाबंदियां लगाई गई है और लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया है। कोरोना की इस तीसरी लहर को रोकने के लिए विभिन्न शहरों और जिलों में सख्त पाबंदियां लगाई जा रही है। हालांकि सवाल यह है कि क्या पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। इस पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जवाब देते हुए कहा कि स्थिति का जायजा लेकर इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न शहरों और जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा या नहीं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और राकांपा नेता शरद पवार ने आज कोरोना पर समीक्षा बैठक की। बैठक में चर्चा की गई कि कोरोना को और फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या खतरनाक दर से बढ़ रही है। हालांकि अभी तक यहां लोकल को बंद करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जिला बंद के बारे में पूछे जाने पर राजेश टोपे ने कहा कि फिलहाल जिले को बंद करने की जरूरत नहीं है। साथ ही राजेश टोपे ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर कहा कि अगले दो दिनों में स्थिति की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने होटल मॉल बंद करने के सवाल पर कहा कि ठाणे, पुणे और अन्य शहरों में स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। अगर स्कूल और कॉलेज बंद रहे और बच्चे होटल और मॉल जाते हैं तो इस पर कुछ तय करना ही होगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि राज्य में अनावश्यक चीजों के लिए एक साथ आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी चावल की कालाबाजारी करने वाले दो आरोपियों को हुडकेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 20,51,500 रुपए का माल जब्त किया है। इस संबंध में आगे की जांच जारी है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हुडकेश्वर ACP ऑफिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अजीजा कौसर मस्जिद के पास राशन का चावल गोडाउन से गाड़ी में लोड किया जा रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने उक्त जगह स्थित गोडाउन पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने रंगे हाथ राशन के चावल को लोड करते हुए जब्त किया। इस दरमियान जब आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि आरोपी ऑटो से घर घर जाकर चावल लेते थे या फिर महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य दो राज्यों से आए सरकारी चावल की गाड़ियों से चावल की चोरी करते थे और बाद में उन्हें एक जगह रखकर उन्हें पॉलिश करने के लिए गोंदिया भेजते थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अहमद रजा मोहम्मद कासिम, अमोल शांतिदास लंबाड़े और वाहन चालक मनोज हरिराम उइके को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दो सालों से आरोपी ये कालाबाजारी करते थे। हालांकि पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों से कुल 20,51,500 रुपए का माल जब्त किया गया। ACP ऑफिस अजनी नागपुर शहर यांची आमची जी टीम आहे त्या टीम मधले नंदलाल डोमणे, संतोष पांडे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सुनील विश्वकर्मा यांना खबर मिळाली की दिगोरी पुलाजवळ एका गोडाऊनमधून रेशनिंगचा जो तांदूळ आहे तो काळ्या बाजारात विक्री होत आहे, त्या ठिकाणी एक ट्रक लोड केला जात आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून
सदर ठिकाणी काल दिनांक 5 रोजी पहाटे 5 वाजता छापा टाकला असता हा जो ट्रक उभा आहे या ट्रकमध्ये 400 गोनी माल भरलेला होता, तसेच त्या गोडाऊनमध्ये 490 गोनी आणखी गोडाऊनमध्ये शिल्लक होत्या। अशा एकूण 890 गुन्हे प्रति 50 किलो असलेल्या 890 गुन्हे जागेवर आम्ही जप्त केलेले आहेत। त्यासोबत एक ट्रक जप्त केलेला आहे, एक छोटा हत्ती आणि एक 2-व्हीलर वाहन अशा पद्धतीनं घटनास्थळावर जप्त केलेले आहेत। सदरचा जो माल आहे ह्या गोण्या ज्या रिकाम्या होत्या त्या पाहिल्या असता त्या गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गव्हर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गव्हर्नमेंट ऑफ पंजाब आणि गव्हर्नमेंट ऑफ हरियाणा अशा 4 वेगवेगळ्या स्टेटच्या गव्हर्नमेंटचा जो फूडचा रेशनिंगचा जो माल आहे तो त्या ठिकाणी आणून त्या थैला रिक्त करून दुसऱ्या वेगवेगळ्या पांढऱ्या गोणीमध्ये हा माल भरला जात होता। अशा ज्या गव्हर्नमेंटच्या ब्रँडिंग असलेल्या रिकाम्या गोण्या आहेत त्या 500 गोण्या रिक्त आम्ही जप्त केलेल्या आहेत। सील आणि लेबलिंग ब्रँडिंग असलेल्या 25 थैली सदर ठिकाणी आम्हाला मिळालेल्या आहेत। सदर ठिकाणी रेड केल्यानंतर याची इन्फॉर्मेशन संबंधित तहसीलदार यांना आम्ही दिलेली आहे, त्यांनी जे फूड इन्स्पेक्टर आहेत ठाकरे यांना घटनास्थळी पाठवलं, त्यांनी ते त्या ठिकाणी घटनास्थळचा पंचनामा करून खबर दिलेली आहे। त्या ह्याचा पुढील तपास चित्तरंजन चांदुरे हुडकेश्वर पोलीस निरीक्षक हुडकेश्वरचे क्राईम पोलीस निरीक्षक करत आहेत। सदरचा माल हा ऑटोद्वारे प्रत्येक घराघरातून तो कलेक्ट केला जात होता, त्यासोबतच ज्या ठिकाणी रेशनिंगला ट्रकद्वारे गव्हर्नमेंटचा माल उतरवला जायचा अशा ठिकाणी ड्रायव्हरसुद्धा चालकसुद्धा त्यातून चोरी करून यांना माल विकायचे आणि हा तो माल खरेदी करून पुढे गोंदियामध्ये एक राईस मिल आहे त्या राईस मिलमध्ये भेसळिंग करण्यासाठी भेसळ करण्यासाठी पाठवलं जायचं असं तपासामध्ये आत्तापर्यंत निष्पन्न झालेलं आहे। पुढील तपास चालू आहे। थँक्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की रैली को छोड़ दिल्ली लौटे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों से विविध टिप्पणियां की जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले द्वारा भी टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस घटना के पीछे हाथ तो नहीं ऐसा आरोप लगाया गया है। साथ ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने पत्र परिषद में कहा कि 15 दिन पहले ही प्रधानमंत्री के दौरे की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है, 3 गुप्तचरण यंत्रणाओं द्वारा जानकारी ली जाती है, एसपीजी कंट्रोल करती है और एसपीजी गृह विभाग अंतर्गत काम करती है। अमित शाह इस यंत्रणा के प्रमुख है, इसलिए इस घटना के पीछे अमित शाह का हाथ तो नहीं ऐसा आरोप नाना पटोले ने लगाया है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। सर्वप्रथम मी आपल्याला पंजाबचे मुख्यमंत्री मोदींनी जो प्रोग्राम दिलेला होता त्याचा पूर्ण कार्यक्रमाचं अपडेट मी तुमच्या समोर ठेवतो आहे आणि हा सगळा सिक्युरिटीच्या आधारावर हा सगळा निर्णय राज्य सरकारने त्या पद्धतीचा घेतलेला होता। पण जी काही आता नौटंकी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं नरेंद्र मोदीच्या रूपाने केली जाते आहे त्याची वस्तुस्थिती मी आपल्या समोर मांडलीच पाहिजे। आपण पाहताय की गृह खातं केंद्रातलं त्यांचे प्रमुख अमित शाह स्वतः आहे, पंजाब सारख्या आतंकवादी हमला सातत्यानं त्या ठिकाणी होता आणि अशा राज्यात देशाचे प्रधानमंत्री तिथं जातात त्यावेळेस 15 दिवसाच्या पूर्वीपासून सगळ्या सिक्युरिटीच्या व्यवस्था बघितल्या जातात। केंद्रीय ज्या गुप्तचर यंत्रणा आहेत 1-3 यंत्रणा आहेत त्या यंत्रणेच्या माध्यमातून या सगळ्याची माहिती घेतली जाते। एसपीजी त्याच्यासाठी पूर्ण त्याचा कंट्रोल एसपीजीच्या ताब्यात असतो, ते केंद्रीय गृह खात्याच्या ताब्यात असतात आणि ही कालची जी घटना झाली त्याच्यामध्ये पंजाबचं सरकार जबाबदार आहे अशा पद्धतीचं भासून पुन्हा एक नौटंकीचा आधार करून 5 राज्यांमध्ये निवडणुका जिंकता येतात का असा हा प्रयत्न भाजपच्या वतीनं चाललेला आहे का? खर तर या घटनेच्या माग देशाचे गृहमंत्री अमित शहांचा हात नाही आहे ना। बघतो चला एक ब्रेक का, मिळते एक छोटेसे ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन,
मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यवतमाल जिले के मार्डी ग्राम पंचायत और न्यू फ्रेंड्स क्रीड़ा मंडल द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद बालू धानोरकर ने कबड्डी मैदान में उतरकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। यवतमाल जिले के मोरगांव तहसील के मार्डी ग्राम पंचायत और न्यू फ्रेंड्स क्रीड़ा मंडल मार्डी के संयुक्त तत्वावधान में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। न्यू फ्रेंड्स क्रीड़ा मंडल मार्डी और जय जगन्नाथ बाबा क्रीड़ा मंडल देवाला के संयुक्त खेल के दौरान खुद सांसद बालू धानोरकर ने देवाला संघ के खिलाफ मैदान में उतरकर कबड्डी का आनंद लूटा। सांसद धानोरकर के मैदान में उतरने से खेल में अच्छी रौनक आई थी। इस दौरान सांसद धानोरकर का जिला परिषद स्कूल मैदान में सत्कार भी किया गया। अपने मामा के बच्चों के साथ घर की छत पर खेल रहे 16 वर्षीय छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। युवक छत से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली की लाइन की चपेट में आ गया और कुछ देर बाद तेज बिजली का झटका लगने से उसकी मौत हो गई। किशोर की मौत से परिवार में शोक की लहर छाई है। घटना 5 जनवरी की दोपहर करीब 4:15 बजे के आसपास वाड़ी की बताई गई। 16 वर्षीय मृतक की पहचान प्रतीक संतोष मिश्रा मंगलधाम सोसाइटी वाड़ी निवासी के रूप में हुई है। प्रतीक वाड़ी कस्बे के विमलताई तिड़के विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वो इस साल 10वीं में था। सरकार ने कोरोना के संक्रमण के चलते लॉकडाउन की घोषणा की और वह अपने माता पिता के साथ अमरावती चले गए। वो हाल ही में मामा कैलाश गुरुदेव के साथ कुछ दिन पहले ही आया था। जब स्कूल शुरू हुई और वो 10वीं कक्षा में था, प्रतीक दोपहर करीब 3 बजे स्कूल से निकलकर घर आया था। खाना खत्म करने के बाद वो अपने मामा के बेटे और बेटी के साथ घर की छत पर छुपा छुपी खेलने लगा। गौरतलब है कि उसके मामा के छत पर की हाई वोल्टेज बिजली की लाइनें वाड़ी, हिंगना सहित शहर के कई घरों से होकर गुजर चुकी है। इससे पहले हिंगना इलाके में और वाड़ी इलाके में हाई वोल्टेज तार छूने से 2 बच्चों की मौत भी हो गई थी। खास बात ये रही कि तारें घरों से होकर गुजरी है और बच्चे छत पर खेल रहे थे। हालांकि ये तार खतरनाक है, लेकिन प्रशासन इन्हें स्थानांतरित करने या कट करने की जहमत नहीं उठा था। तो सवाल ये है कि ये तार और कितने बच्चों की बलि लेगा। घर से 11 केवी की हाई वोल्टेज बिजली की लाइन जा चुकी है। खेलते समय प्रतीक का हाथ तारे को छू गया। ये महसूस करते हुए कि वह कोई जवाब नहीं दे रहा है, बच्चे तुरंत नीचे आए और अपनी मम्मी को बताया। उसने ऊपर देखा तो उसे प्रतीक मृत पाया गया तो वह चिल्लाई। स्थानीय लोगों के सुझाव पर मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ी आई और प्रतीक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हुडकेश्वर पुलिस ने मोबाइल टॉवर से कॉपर वायर चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से कुल 1,09,000 का माल जब्त भी किया है। साथ ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग कंपनियों के मोबाइल टॉवर से कॉपर वायर चुराने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने में हुडकेश्वर पुलिस को सफलता मिली है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मोनल बट्टे, मंगेश अहिरवार और महेंद्र कदम ये मोबाइल कंपनियों के टॉवर से कॉपर का वायर चुराते थे और उसे आरोपी कुलदीप चौहान को बेचते थे। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी,
वैसे ही तत्काल इस मामले में कार्यवाही कर चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 1,09,000 का माल जब्त भी किया। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में 11 शिकायतें दर्ज हैं। विविध मोबाइल कंपनियों के जे टावर असतात त्या टावरला पुरवली जाणारी जी इलेक्ट्रिक केबल असते ती इंटरनली कॉपरची असते आणि अशा वेगवेगळ्या टावरला पुरवल्या जाणाऱ्या ज्या केबल्स आहेत ते केबल चोरणारी एक टोळी हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनचे डीबी इन्चार्ज स्वप्नील भुजबळ आणि त्यांचे जे टीममधले सदस्य आहेत शैलेश ठवरे, नरसिंह दमाये, अश्विन बगडे, आशिष तितरमारे, प्रदीप भदाडे, दीपक तरेकर, शारदा भेरे या सर्वांनी मिळून ही एक टीम उघडकीस आणलेली आहे। जे वेगवेगळ्या मोबाईल कंपन्याच्या टावरला जी पुरवली जाणारी इलेक्ट्रिक वायर आहे जी कॉपरची असते ती चोरी करायचे आणि जी ब्लॅक मार्केटमध्ये नेऊन विकायचे असा विक्री खरेदी करणारा जो आहे अशा चार लोकांना या टीमनी पकडलेला आहे। एकूण या गुन्ह्यामध्ये नागपूर शहरातले एकूण 11 गुन्हे उघडकीस आणून 1,09,000 रुपयाचा मुद्देमाल या आरोपीकडून सीज केलेला आहे। ही केबल चोरणारे 3 आरोपी आणि खरेदी करणारा 1 आरोपी असे 4 आरोपी या टीममध्ये या टीमने पकडलेले आहेत आणि त्यांनी त्यांच्याकडून जो खरेदी केलेला आणि चोरीला गेलेला जो मुद्देमाल आहे कॉपरचा तो हुडकेश्वर पोलीस स्टेशननी सीज पण केलेला आहे। नागपुर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने विवाह समारोह में कोविड 19 दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए प्रथम जुर्माना 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है और दूसरी बार उल्लंघन के मामले में स्पॉट सीलिंग का आदेश दिया है। एक दिन पहले जुर्माना बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने का प्रस्ताव था लेकिन इसमें बदलाव किया गया। बढ़ता कोरोना संक्रमण देखते हुए मनपा प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विवाह समारोह के लिए 15 दिन पहले से अनुमति लेनी होगी। कोरोना प्रतिबंधों के चलते शादी या फिर अन्य कोई भी समारोह रात 11 बजे तक ही शुरू रह सकते हैं, जबकि होटल रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रह सकते हैं। शादी या समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे, जबकि होटल रेस्टोरेंट में जगह की क्षमता के अनुसार सिर्फ 50% लोगों को ही अनुमति दी गई है। हर जगह मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ 15,000 से 25,000 रुपए का जुर्माना, प्रकरण दर्ज करने और संबंधित प्रतिष्ठान को सील करने की चेतावनी दी है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।